और एक बड़ी खबर का कर लेते हैं। अक्षय कुमार की नई फिल्म लक्ष्मी बम पर विवाद हो गया है। फिल्म से लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप दरअसल लगाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठी है। लक्ष्मी बम हॉरर कॉमेडी फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार के साथ कियारा आडवाणी है। तो अब अक्षय कुमार की ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर अब इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कहा यह जा रहा है, जो तमाम आरोप दरअसल इस फिल्म पर लगाए जा रहे हैं वो ये कि इस फिल्म के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह के पूरे पात्र इसमें है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम हैं, उनको लेकर यहाँ पर सवाल किए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पर अब फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठने लगी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले याद होगा आपको, अक्षय कुमार के साथ कियारा आडवाणी जो है इस फिल्म में, इसी फिल्म का जो ट्रेलर है बाकायदा यहां पर रिलीज हुआ। काफी अच्छे व्यूज उसको मिले, यहाँ पर सराहा तो पहले गया था क्योंकि एक कॉमेडी हॉरर फिल्म वो है, सबने प्रशंसा यहाँ पर की। लेकिन उसके बाद अब कहीं ना कहीं विवादों में घिरती हुई अक्षय कुमार की ये फिल्म नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर अब फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठाई जा रही है। लोगों का कह रहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा देती है ये फिल्म। कोरोना की वजह से इतने लंबे वक्त से देखिए तमाम सिनेमा हॉल्स बंद थे, अब धीरे धीरे करके सिनेमा हॉल्स भी यहां पर खुल रहे हैं, लेकिन ये तमाम फिल्में जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने की तैयारी में है। हिंदू जन जागृति समिति सिनेमा का पूरी तरह से विरोध कर रही है और इस विरोध का प्रमुख कारण ये है कि उस सिनेमा का जो नाम रखा गया है उसके अंदर हिंदू धर्म की एक सबसे पवित्र हमारी जो देवता है मां लक्ष्मी देवी, उसका बॉम्ब के साथ क्यों संबंध जोड़ा जा रहा है। बॉलीवुड सदा से ही हिंदू विरोधी काम कर रहा है, जिहाद एक तरीके से उन्होंने फैलाने का काम किया है। और यहां पर हम जब देखते हैं कि यहां पर फिल्म का नाम अमीना बॉम्ब क्यों नहीं है, फातिमा बॉम्ब क्यों नहीं है, आयशा बॉम्ब क्यों नहीं है, क्यों आप मुसलमानों से डरते हैं, और हिंदू धर्म की जब बात आती है तो उसके ऊपर आप सहूलियत लेकर के हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं की बदनामी करती है, उनको एक मजाक के रूप में दिखाया जाता है। तो किस बात पर आपत्ति है ये यहाँ पर आपने सुन लिया। हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा उन्हीं का रुख हम यहाँ पर करेंगे। प्रीति, तो कहीं ना कहीं विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है अक्षय कुमार की ये फिल्म लक्ष्मी बम, किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और किन बातों को लेकर विरोध यहां पर जताया जा रहा है? देखिए, ये जो अक्षय कुमार की जो नई फिल्म है लक्ष्मी बम, उसको लेकर जो है लगातार विभिन्न हिंदू संगठन है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है, उनको पहले तो आपत्ति है, ये फिल्म का जो नाम है लक्ष्मी बम और ये दिवाली के दिन ही 9 नवंबर के दिन ही जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है, फिल्म को लेकर आपत्ति है। साथ में ही ये फिल्म में दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिसमें मुस्लिम लड़का है और एक हिंदू लड़की है। तो हिंदू संगठन का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है ये फिल्म जो है लव जिहाद को प्रमोट करने का काम कर रही है, उनको प्रोत्साहन दे रही है और इसी के तहत जो है इस फिल्म को प्रतिबंध लाने की मांग जो है अब विभिन्न हिंदू संगठन है उन्होंने कर दिया है। जिस तरीके से हिंदू जन जागृति संगठन ने जो है सोशल मीडिया पर लोगों को अपील की है कि इस फिल्म का बॉयकॉट किया जाए, वहीं अन्य साधु संत भी जो है वो भी इस फिल्म का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, किस तरह के रिएक्शन अभी, क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया अक्षय कुमार की ओर से, कियारा आडवाणी की ओर से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनकी ओर से क्या आई है जब उन तक यह खबर पहुंची है कि अब बॉयकॉट करने की मांग लगातार अब इस तरह उठाई जा रही है और इस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप लव जिहाद को प्रमोट करना चाह रहे हैं अपनी फिल्म के जरिए? साथ में ही जो है अभी तक इनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि कल रात को ही जो है हिंदू जन जागृति समिति और विभिन्न हिंदू संगठन है इन्होंने इस फिल्म को लेकर जो है बॉयकॉट करने की मांग की, इस फिल्म पे प्रतिबंध लाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि ये फिल्म जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 9 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो हमारे वहां उस तरीके के अभी तक कानून नहीं बने हैं जो बनने चाहिए। आईएनबी मिनिस्ट्री भी जो है इसको लेकर जो है विचार विमर्श कर रही है और साथ में ही अब देखना यह होगा कि क्या इस फिल्म को लेकर जो है फिल्म के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से अक्षय कुमार की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि देखिए आमतौर पे हमने देखा है अक्षय कुमार की ओर से, अभी याद होगा आपको जब ड्रग्स के मामले को लेकर पूरी तरह से बातचीत चल रही थी, बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने बताया था, अपनी सारी बातें यहां पर स्पष्ट की थी कि किस तरह से मैं झूठ बोल दूं कि इस्तेमाल नहीं होता है और क्या कुछ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है। और इस मामले को लेकर भी जाहिर बात है उनकी ओर से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी क्योंकि उन्हीं की फिल्म है, इतने लंबे वक्त से यहाँ पर इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है।
लेकिन उसी के साथ साथ तमाम वो जो फैंस हैं जो अक्षय कुमार से जुड़े हुए हैं उनकी किस तरह की रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई जैसे या तो कोई आर्ट फिल्म आ जाते हैं यहाँ पर प्रीति, या फिर कोई पिक्चर आ रही है, हर चीज में क्या कहीं ना कहीं कुछ गलत नजरिया ही पेश करवाने की कोशिश लोगों के हिसाब से की जा रही है क्या? मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ गलत और गलत ही नजर आ रहा है सबको। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें अक्षय कुमार की इमेज की, तो अक्षय कुमार की जो इमेज अब तक रही है उन्होंने जिस तरह की फिल्में की है वो देश प्रेम को लेकर की है, और इसीलिए जो है उनको मिस्टर भारत भी कहा जाता है। तो जिस तरीके की फिल्में उन्होंने की और साफ तौर पे जो है सोशल मीडिया अवेयरनेस पे लेकर भी जो है उन्होंने कई सारी फिल्में की है, जो सामाजिक दूषण हमारे समाज में उसको लेकर भी कई सारी फिल्में उन्होंने की है, और इसको देखे अक्षय कुमार की जो इमेज है उसके बाद में जिस तरीके की ये फिल्म है जिसमें जिस तरीके का किरदार उनको निभाया गया है, जिस तरीके से जो है अक्षय कुमार के हाथ में जो है त्रिशूल दिया गया है, जिस तरीके से प्रमो दिख रहा है उसमें साफ तौर पे जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देवी की इमेज जो है उनमें दिखाई गई है, इसको लेकर भी जो है विभिन्न जो संगठन है हिंदू संगठन उन्होंने भी इस पर आरोप लगाया है। फिल्म का जो प्रमो है जिसमें जिस तरीके से देवी की प्रतिमा को दिखाया गया है उसको लेकर भी जो है विभिन्न हिंदू संगठनों की आपत्ति है। बिल्कुल, ये आपत्ति तो दर्ज करा दी गई है यहाँ पर, लेकिन जिस इमेज की यहाँ पर आप प्रीति बात कर रही हैं, बहुत एक देशभक्त की इमेज उनकी ओर से यहाँ पर देखने को मिलती है उनके फिल्मों के जरिए, जो कम से कम दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, लेकिन क्या इस फिल्म के बाद सारी चीजें दरकिनार होती हुई आपको नजर आ रही है? यानी कि इस ट्रेलर के बाद जो ये विवाद यहाँ पर उपज रहा है उसके बाद क्या आपको, क्योंकि आप देखिए आप वहां पर जब आपकी बातचीत होती है तमाम चीजें जब समझ में आती हैं और लोगों के जो रिएक्शंस रहते हैं उससे और बेहतर तरीके से आप समझ पाती हैं कि वाकई में लोगों के जहन में दरअसल अभी क्या चल रहा है। तो वो जो एक बहुत शानदार इमेज यहाँ पर सेट की गई थी वो कहीं ना कहीं दरकिनार होती हुई नजर आएगी क्या इस विवाद के बाद अगर हम बात करते हैं? जी, क्योंकि जिस तरीके की अक्षय कुमार की इमेज रही है उसके बाद में जिस तरीके की फिल्म को लेकर ये विवाद अब शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज को तो असर होगा ही। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जैसे हिंदू संगठनों का कहना है कि लव जिहाद को दिखाया गया है, लव जिहाद की बात करें तो तनिष्क के विज्ञापन में भी जिस तरीके से दिखाया गया था उसके बाद में जो है तनिष्क को भी जो है टाटा ग्रुप जो इतना बड़ा ग्रुप है भारत का उसको भी जो है अपनी एडवर्टीजमेंट वापस लेनी पड़ी। अब इस फिल्म को लेकर जो बातें हैं, इस तरह के जो विवाद हैं, जो लोगों के आरोप हैं, वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं मौजूदा स्थिति को देखते हुए। अब ये देखना होगा कि ये विवाद आखिर पहुंचता कहां तक है, क्या वाकई में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने से क्या अक्षय कुमार की जो फिल्म है उसे रोक दिया जाएगा, इस पर निगाहें हमारी भी लगातार बनी रहेंगी, और किस तरह के रिएक्शन आते हैं ये भी बहुत जरूरी होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के साथ आप